जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के जोधपुर से है, जहां वेस्टर्न सर्किट के रेलवे सुरक्षा आयुक्त आर के शर्मा ने गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रायकाबाग जंक्शन से पिपाड़ रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकृत रेल लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफल स्पीड ट्रायल किया। उनके द्वारा फिट मिलते ही इस ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। DRM गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त शर्मा ने मंडल के पिपाड़ रोड से रायकाबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच 44 किलोमीटर रेल मार्ग पर कराए गए दोहरीकरण कार्य की गुणवत्ता का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद गुरुवार सुबह मुख्यालय और मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ CRS स्पेशल ट्रेन से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफल ट्रायल किया। उन्होंने बताया कि CRS स्पेशल ट्रेन रायकाबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से सुबह 11:15 बजे रवाना हुई तथा 11:44 बजे पिपाड़ रोड रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई। स्पीड ट्रायल के सफल होने से अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही जोधपुर मंडल पर फुलेरा से रायकाबाग रेल मार्ग पर अब कुचामन सिटी से रायकाबाग तक 204 किलोमीटर रूट खंड पर रेल दोहरीकरण का कार्य पूरा करवा दिया गया है। इससे पूर्व रेल सुरक्षा आयुक्त ने गुरुवार सुबह बनाड़ के रायकाबाग रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के तहत नॉन इंटरलॉकिंग पेच का बारीकी ट्रॉली निरीक्षण किया तथा दोहरीकृत ट्रैक पर इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता पर की। इस दौरान उन्होंने जोधपुर कैंट व रायकाबाग रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के संबंध में रेलवे पांडे और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा से विस्तृत चर्चा की। जोधपुर से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।